हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा और आप सभी का हमारे चैनल चलो लर्न करते हैं में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर लाइन पर ऐड करना, लेकिन उससे पहले हम बेसिक ऐड को जानेंगे। ठीक है, कैसे ऐड करते हैं बेसिक ऐड। तो देखिए, ये है श्याम और ये है रीना। ठीक है, श्याम है और रीना है। तो रीना के पास है बॉल, जो कि चलिए हम बॉल का पिक्चर बना लेते हैं हम लोग। तो रीना के पास है बॉल, कितने बॉल हैं? तो फोर बॉल है, चार बॉल है रीना के पास। ठीक है, और श्याम के पास है टू बॉल। ओके, तो श्याम के पास जब टू बॉल है तो वो लोग बोलते हैं कि चलो हम लोग अपने अपने बॉल से एक साथ खेलते हैं। तो दोनों मिल करके बॉल खेलने लगते हैं। तो कुल कितने यहाँ पर बॉल के साथ वो खेलते हैं? तो सबसे पहले चार बॉल हमने एक साथ रख दिया और टू बॉल एक साथ रख देंगे। ठीक है, और फिर हम ये फोर हो गया और ये टू हो गया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यानी टोटल हमारे सिक्स बॉल हो गए। तो हमने क्या किया, ऐड किया, ये प्लस का साइन हो गया और ये इक्वल टू का साइन हो गया। तो इस तरह से हमने ऐड किया, टोटल सिक्स बॉल के साथ उन लोगों ने खेलना स्टार्ट किया। अब अगर हम इसे ही नंबर लाइन पे दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे? अब जैसे ये नंबर लाइन है, ठीक है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन तक है, और हमें फोर प्लस टू, हमें बताना है कि फोर प्लस टू कितना होता है, हमें जानना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फोर हम देखेंगे हमारा फोर किधर है, तो यहाँ है फोर। ठीक है, और प्लस टू है, तो ये टू का मतलब हमें टू स्टेप राइट जाना है। ठीक है, तो वन टू, ठीक है, तो फोर टू स्टेप हम राइट गए, यानी फोर वन स्टेप फाइव हो गया और टू स्टेप सिक्स हो गया, यानी फोर प्लस टू हमारा कितना आ गया, सिक्स आ गया। तो यहाँ हम लिखेंगे सिक्स, फोर प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स। हमें ये यहाँ पर याद रखना है कि जब भी हम ऐड करेंगे ना, तो राइट की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, तभी हम कर पाएंगे, लेफ्ट की तरफ नहीं बढ़ना है हमें, जब प्लस का साइन हो तब। जब भी प्लस का साइन होगा तो हम राइट की तरफ बढ़ेंगे। जैसे हमें ऐसे नहीं करना है, टू स्टेप आगे तो वन टू, इधर नहीं, बाएं तरफ नहीं जाना है, हमें दाएं तरफ जाना है। ठीक है, हमें किस तरफ जाना है, दाएं तरफ जाना है, यानी वन टू। तो ये हमारा कितना आ गया, सिक्स आ गया, तो फोर प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स। तो हमें यहाँ ये याद रखना है कि प्लस के बाद जो भी नंबर लिखा होगा वो उतने ही टाइम हमें जंप करना है। जैसे यहाँ टू लिखा है तो टू टाइम्स हम जंप करेंगे। ओके, टू है तो टू टाइम्स, डायरेक्ट छलांग नहीं लगाना है हमें। ठीक है, वन स्टेप फिर टू स्टेप, तो टू टाइम्स जंप हो गया, तो क्या आ गया हमारा आंसर, फिर सिक्स। देखिए इसमें भी आंसर सेम आया है, इसमें भी आंसर सिक्स है, फोर प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स, और इसमें भी हमारा नंबर लाइन में भी आंसर सिक्स ही आ रहा है। तो मेथड कोई भी हो, आंसर सेम आएगा। अब है हमारा क्वेश्चन थ्री प्लस टू। ठीक है, तो हम नंबर लाइन पे हमें दिखाना है कि थ्री प्लस टू इज इक्वल टू कितना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बताइए, तो सबसे पहले हम देखेंगे थ्री किधर है, जो फर्स्ट नंबर है उसे देखेंगे। तो थ्री हमारा कहाँ है, यहाँ है, तो थ्री इधर है। अब यहाँ टू लिखा, यानी टू टाइम्स हमें जंप करना होगा, यानी तो थ्री है यहाँ, तो वन ओके एंड टू, तो टू टाइम्स जंप हो गया, तो हमारा कितना आया, फाइव। देखिए अब हमारा नेक्स्ट है फाइव प्लस सिक्स, तो फाइव फिर से हमें अगेन ढूंढना है, फाइव हमारा किधर है, यहाँ है फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, तो फाइव से फिर ये सिक्स, सिक्स है तो इसका मतलब हमें सिक्स टाइम जंप करना है। ओके, सिक्स टाइम हमें जंप करना है, तो फाइव यहाँ रखा हमने पेन, और फिर सिक्स टाइम जंप किया, किस तरफ, राइट की तरफ, नो लेफ्ट की तरफ नहीं, राइट की तरफ हमें जंप करना है। ठीक है, तो हम राइट की तरफ जंप करेंगे, तो वन टू सिक्स है, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो कितना आया हमारा, एलेवन। तो फाइव प्लस सिक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, एलेवन। ठीक है, फाइव प्लस सिक्स इज इक्वल टू एलेवन हो गया। तो बस फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक था।
उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और बच्चों को भी आप अच्छे से समझा पाएंगे। बस हमें यहाँ यही याद रखना है कि जब हम लेफ्ट की तरफ हमें नहीं करना है, जब प्लस हो तो हमें राइट की तरफ जंप करना है, राइट की तरफ जाना है, ठीक है। तो अगर वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ बच्चों लोग के लिए लाते रहती हूँ। तो सब्सक्राइब का बटन रेड कलर में है, इसे आपको प्रेस करना है और फिर बेल बटन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप लोगों तक तुरंत पहुँचे। ओके ओके, फिर थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।